आज देखते हैं बैटरी का, स्प्लाइसिंग मशीन के बैटरी के बारे में एक जानकारी। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोग जैसे कि बैटरी में कितना चार्ज है इसका चेक करने के लिए ये वाला जो बटन दिया हुआ है इसमें पुश करते हैं। देखिए इसमें अभी पूरा एकदम फुल चार्ज दिखा रहा है, 4 पॉइंट इसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग 3 2 पॉइंट है वो 3 पॉइंट तक दिखाता है, जितना भी चार्ज करो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा चार्ज करो, लेकिन 3 पॉइंट उसके बाद फिर कमती होता है, 2 पॉइंट में आके रुक जाता है, आगे चार्ज होता ही नहीं है। जितना भी टाइम लगा के रख दो उसका चार्ज आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये जो दिक्कत आता है इसमें, मतलब जितना भी चार्जिंग टाइम लगा के रख दो, जितना भी टाइम लगा के रख दो, आपको ये बैटरी का जो पॉइंट है इसमें 2 या 3 में आके अटक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो दिक्कत है ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार, तो इसलिए इसको मैं फेस किया है बोल के सोच रहा है कि आप लोग के लिए हेल्प के लिए भी एक वीडियो बना दूं, तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो पहले बैटरी को मशीन के अंदर डालते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आता है आपके साथ तो आपको पहले मशीन में बैटरी डाल देना है। इधर से उसके बाद इसको मशीन को ऑन कर देते हैं। उसके बाद मशीन को ऑन कर देना है और आपको जाना है सेटिंग्स पे। तो देखिए पहले ये वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको जाना है डिस्चार्ज पे, जाना है ये देखिए लिखा हुआ है बैटरी डिस्चार्ज। आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है सीधा। आपको एकदम शॉर्टकट में दिखा देते हैं, आपको सीधा इस बटन पे क्लिक करना है और इसमें और 1 2 3 बार क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला बटन पे आपको 3 4 5 नंबर वाला पॉइंट पे सीधा जाना है और इधर जाके आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका बैटरी डिस्चार्ज चालू हो गया। जब तक बैटरी पूरा कम्प्लीटली डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक आपको ऐसे ही रखना है, मतलब ऑटोमेटिक जब तक मशीन बंद ना पड़ जाए तब तक आपको ऐसे ही रखना है। तो ये वाला प्रॉब्लम, उसके बाद जब मशीन ऑटोमेटिक बंद पड़ जाएगा तो बैटरी खुल के आपको फिर चार्ज में लगा देना है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटा सा जानकारी कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।